Friends, welcome to Hustle's Paradise again. One more recipe we have today. I will show you. Come. हमारे पास आज है बैंगन, करेला, तो हम इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आज. एंड यू विल ऑल्सो लाइक इट. सो हमारे पास है 10-11 बैंगन और 5 बड़े बड़े करेले जो कि मैंने पहले ही काट लिए थे. इनका छिलका नहीं उतारना है. बिना छिलका उतारे ही आप इनको काटिए, पीसेस में, राउंड राउंड पीसेस में काटिए. नमक डाल के रखिए आधे घंटे के लिए. आधे घंटे के बाद आप इसका नमक निचोड़ सकते हैं. मैंने अभी नहीं निचोड़ा है, अभी मैं निचोड़ के आपको दिखाऊंगा. ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निचोड़ रहे करेले. हाथ में ले लीजिए हैंडसम, जितने भी आ जाए आपके हाथ के अंदर. दोनों हाथों से इसको टाइट प्रेस कीजिए, इसका तीखापन निकल जाएगा. अगर आपको बहुत ज्यादा तीखापन लगता है करेले के अंदर, तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं नमक के साथ, और फिर निचोड़िए तो बिल्कुल ही इसका एकदम तीखापन निकल जाएगा. हाय, ये हमारे अभी करेले हो गए रेडी, जो हमने निचोड़ के रख दिए हैं. अभी ये बैंगन है, पहले ही धो के रखे थे. इसके सिर्फ हमने ये आधा काटा है इसका पूंछ, और ये इसके उठा दिए हैं, वो निकाल दिए, क्योंकि कभी कभी कचरा होता है उसके अंदर, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ. ठीक है, ये हम लेते हैं 7-8 लहसुन और 8-9 मिर्चियाँ. आप अपने हिसाब से मिर्चियाँ ले सकते हैं, हरी मिर्चियाँ. तो इनको हम इकट्ठे थोड़ा नमक डाल के अब कूट लेंगे. ये हमने कर दी इकट्ठे. नमक थोड़ा डाल दिया, अब हम इनको कूट लेंगे अच्छे से. गाइस देखो, ये अभी हमारा ऐसा दरदरा हो गया है पूरा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनी है इसकी. ये एकदम नमक डालने से क्या होता है, फटाफट हो जाता है. इसको हम साइड में रख लेते हैं. अब हम डालेंगे बैंगन को. तेल हमारा गर्म हो चुका है साथ के साथ. बैंगन को मैं साथ साथ काट के तेल में डालती हूँ, बिकॉज नहीं तो वो अगर काट के पहले से ही रखो तो काले हो जाते. ये देखिए हमारा बैंगन जा रहा है इसके अंदर, और ये मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होने चाहिए, पूरे ब्राउन हो जाने चाहिए, डार्क ब्राउन. आइए देखिए हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं, पूरे रेड हो जाने चाहिए. ये मैंने पहला लॉट निकाला था, ऐसे रेड हो जाने चाहिए. तो हम वेट करते हैं जब तक ये बैंगन हो जाएंगे, फिर हम डालेंगे करेले, फ्राई करेंगे हम. बैंगनों को टर्न भी करते रहना बीच बीच में, जब 5-10 मिनट के लिए वो एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, दूसरी तरफ उनको टर्न कर लीजिए, बिकॉज दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए. फिर वापस हम इनको देख के कि पूरे ब्राउन हो गए हैं कि नहीं, फिर वापस से टर्न करेंगे. 5 मिनट के लिए रखें, फिर निकाल देंगे. मैं आपको कितने ब्राउन आके देखिए कितने हो गए. अभी इतने हो गए. हाँ, तो अब हम इसको टर्न करेंगे. ये देखिए एक साइड से प्रॉपरली ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन. अब दूसरी तरफ मैंने टर्न कर दिया, इनको पलट दिया. अब मैं गैस को सिम पे करके इनको निकाल दूंगा. क्रिस्पी हो गए, एकदम क्रिस्पी. ये देखिए मस्त एकदम कुरकुरे. एक बोल में इनको निकाल लीजिए. अब ऐसे भी अगर बैंगन को नमक और लाल मिर्च थोड़ा सा डाल के खाएंगे ना, तो बहुत ही मजा आएगा. अब हम इसमें डालेंगे करेले जो हमने निचोड़ के रखे थे, तीखा पानी निकाल. ये रखे करेले, सभी आ जाएंगे इसमें, तो करेले एक साथ ही हमारे फ्राई हो जाएंगे, टेंशन नहीं है. थोड़ा टाइम लगता है करेलों को फ्राई होने में, सो लेट्स वेट. फुल कर दीजिएगा. ये देखो हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, ये थोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं, बट अभी थोड़े से और डार्क ब्राउन हो जाए तो और भी अच्छे हो जाएंगे, थोड़े और. ये देखो ये ऐसे अच्छे से, इसका छिलका वगैरह सब अभी कुछ नहीं दिख रहा है. अभी देखो
अच्छे से हो जाए करेले, फिर फटाफट वो डाले मसाला और फिर आता है मैजिक। मैजिक है इसके मसाले का और कुछ नहीं, गैस फुल पे ही रखे। करेले हो गए हमारे, ये देखिए अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो गए, ये देखो पूरे ब्राउन हो गए। अब हम इनको निकाल देते हैं, जिसमें आंच को धीमी कर लो, इनको निकाल लो एक बोल में जिसमें आपने बैंगन निकाले। ये हमने निकाल दिए करेले, एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम लोगों ने अभी निकाल दिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ही रखा है, जो आपका राइस स्पून रहता है। बाकी का ऑयल एक बर्तन में निकाल ले। थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए मैंने गैस बंद कर दिया था, क्योंकि अब हम डालने जा रहे हैं इसमें जो हमने मिर्ची और लहसुन का वो पेस्ट, दरदरा पेस्ट जो बनाया था नमक के समय, याद रखें इसमें नमक डला हुआ है ऑलरेडी। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, पहले डाल दूं इसमें, नहीं तो वो जल जाएगा एकदम। ये डाल दिया है और अभी मैं इसको गैस ऑन करके तेज आंच पे थोड़ा भून लेती हूँ, नहीं तो लहसुन का कच्चापन रह जाएगा सब्जी में। इसमें डालेंगे अब हम हल्दी, नमक ऑलरेडी हमने इसमें डाल दिया है, ये देखिए अच्छे से भून गया है, लहसुन का फ्रेग्रेंस आ रहा है। गैस को कम कर लीजिए, इसमें मैं 1.5 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। उसको फिर हल्दी डाल के थोड़ा सा हिला देते हैं, हल्दी भी पक जाएगी, हल्दी कच्ची रहेगी तो ये ड्राई सब्जी है तो उसमें फिर नहीं तो अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं आएगा। अब ये हिला के ये करेले और बैंगन जो हैं अब आपके, वो सब इसमें डाल दीजिए, डाल के मिक्स कीजिए अच्छे से। मिक्स करके ये देखिए पूरा जो आपका मिर्ची और लहसुन का है वो इसमें मिक्स हो गया है, और खुशबू भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि लहसुन जल रहा है, बट वो जल नहीं रहा है। अब अपना जो गैस का है आंच धीमी करके अब इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लीजिए और ढक दीजिए फटाक से इसको। अब इसको सिम पे रखिए 10 मिनट तक, इसको ढक के रखेंगे, 10 मिनट तक वेट करेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे करके, सिम पे रखिएगा। 5 मिनट बाद अपनी सब्जी को देख ले और हिला ले थोड़ा, आइए देखिए कैसी है हमारी सब्जी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, अभी वो अपने आप सोख हो जाएगा। याद रखिए नमक मत डालिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब लहसुन और मिर्ची को पीसा था उसमें नमक डाला था, तो बाद में जब ये बन जाए उसको टेस्ट कर लीजिए कि नमक बराबर है कि नहीं, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए। हमारी जो सब्जी है वो देख लेते हैं, इसको फुल पे मैंने कर दिया अभी, बिकॉज नहीं करूंगी तो वो ज्यादा गल जाएंगे। देखिए पानी ऑलमोस्ट इसका सूख गया है, अभी इतना ज्यादा पानी नहीं है उसमें, तो अभी मैंने फुल कर दिया है गैस तेज आंच पे, ताकि वो तेल उसका निकल के आए। ये देखो फ्रेंड्स पूरा उसमें ऑयल निकल गया, जैसे मैं उठा रही हूँ ये देखो सारा पानी सोख हो गया, पूरा ऑयल निकल गया है। इसको अब हम बंद कर देते हैं और ढक के रख देते हैं, बाय द टाइम हम करेंगे प्लेटिंग। मैंने सर्व किया है इसको दाल चावल के साथ, सूखी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, ना इसमें प्याज है ना टमाटर का झंझट है। हाँ लेकिन फ्राई करने का थोड़ा सा है, वो फ्राई होएगा तभी उसका मजा आएगा और आपकी ये तवा सब्जी जैसी बन जाएगी। सो एंजॉय करें इसको दाल चावल के साथ। आप मुझे बताएं आपको ये सब्जी कैसी लगी, खा के बताएं, मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपको और क्या चाहिए जो मैं बनाऊं। हिट द बेल आइकन, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे प्लीज 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 लाइक करें।